वेलकम बैक टू मेहकती मॉर्निंग. हमारे साथ हैं हकीम रिजवान साहब, डॉक्टर शुमाइला, किरण हमारी वेरी प्रिटी योगी, और हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर हबीबा ने. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अच्छा, आज का टॉपिक जो है हम लोगों का एंटी एजिंग पे है, और हम उस वक्त से बात कर रहे हैं कि एजिंग के प्रोसेस को आपने स्लो कैसे करना है. आई थिंक आप सिर्फ इतना ही कर सकते हैं. बिल्कुल इतना ही कर सकते हैं. यू विल एज. और वो एक मैंने शुरू में बात की थी कि बुढ़ापा एक कैफियत है. कुछ लोगों पर बहुत जल्दी तारी हो जाता है, कुछ पे कभी नहीं होता. तो हम अपेरेंस वाइज बात कर रहे हैं, और हमारा अल्टीमेट गोल है आपको हेल्दी रखना. तो न्यूट्रिशन is a very important part of it. तो क्योंकि हम लोग अभी तक wrinkles की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं पूछूं कि cause of wrinkles क्या है? देखें, बहुत से लोगों को हम देखते हैं कि मुख्तलिफ एज पे जाके रिंकल्स पड़ते हैं. उसकी रीज़न एक तो ये है कि आप अपनी स्किन को वेल मॉइस्चराइज रखें. डिहाइड्रेशन एक काज है. सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा जो होता है, सनस्क्रीन या सन ब्लॉक का इस्तेमाल होना चाहिए. और दूसरी कि नींद ज़रूर पूरी करनी चाहिए. ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. फिर इसमें डाइट की तरफ अगर हम आएँ, तो क्या चीज़ें ऐसी जो कि एजिंग काज करती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा फास्ट फूड अभी हम खाते हैं, तो क्या होता है कि उससे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस, जिससे कि फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो कि बॉडी में डैमेज काज करते हैं और एजिंग काज करते हैं, वो ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं. इस तरह से बहुत ज़्यादा मीठा और स्वीट्स वगैरह जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये चीज़ें कभी कभार होनी चाहिए. अच्छा. ये तो वो चीज़ें जिनसे हमें रुकना है. अच्छा, फास्ट फूड की आपने बात की कि फास्ट फूड भी एजिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं. बिल्कुल, बहुत स्पाइसी फास्ट फूड, उसके अलावा सॉल्टी, अगर ज्यादा इंटेक आपका सॉल्ट का है तो वो भी जो है एजिंग का कॉज होता है. शुगरी प्रोडक्ट्स कॉज ज्यादा जी. फ्री रेडिकल्स जो है वो बनते हैं बहुत ज्यादा. और ये अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे फ्री रेडिकल्स की. फ्री रेडिकल्स की तो एक्सप्लेनेशन इज क्वाइट इट्स अ टॉपिक, ठीक है. उसमें ये है कि आप ऑक्सीडेशन जो आप खाते हैं, उसके बाद वो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट होते हैं, उसमें कुछ जो है आपके लिए फायदेमंद होते हैं, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं. तो इजी टू अंडरस्टैंड ये जनरल पब्लिक के लिए कि वेस्ट प्रोडक्ट की डिपोजिशन ज्यादा होनी शुरू हो जाती है, विच आर नॉट गुड, जो पॉइजनस कंपोनेंट्स होते हैं, तो दैट विल कॉज एजिंग ऑन द स्किन. बट आई अंडरस्टैंड कि आपने जो भी खाया वो ब्रेक डाउन होगा इनटू अच्छी चीजें और बुरी चीजें, और जो फास्ट फूड है उसमें बुरी चीज ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी उसको ज्यादा यूटिलाइज करेगी, क्योंकि खाना तो बॉडी को चाहिए होता है. और जब आप वो बुरी चीज के हर चीज का यू आर हर चीज हर हर एक साइकिल का एक एंड प्रोडक्ट होता है ना, जिसमें कुछ वेस्ट मटेरियल्स होते हैं और कुछ जो है एब्जॉर्बिंग गुड मटेरियल्स होते हैं. और कहते हैं यू आर एंड यू, कि आपने वो वेस्ट मटेरियल्स जो है वो ज्यादा आपने लेने हैं या अच्छे उसमें से कंपोनेंट्स आपने चूज करने. तो इट्स अप टू यू, इट्स योर स्किन इज व्हाट यू ईट. बिल्कुल. और मैं हमेशा कहती हूँ, इमेजिन किया करें जो आप खा रहे हैं ना वो आप हैं. तो ये आपने दिमाग में कोई ऑयली सा बर्गर इमेजिन कर ले, चलती फिरती स्किन के ऊपर ऑयल है, या कोई फ्रेश सा एप्पल इमेजिन कर ले. आ गई हूँ यहाँ पे, और हमारे पास क्योंकि एक डर्मेटोलॉजिस्ट है, तो मैं चाहूंगी कि अब हम आ जाएं थोड़े उन मेथड्स पे जो कि यूज किए जा सकते हैं इन केस रिंकल्स आर देयर. बिल्कुल. सबसे पहले तो सुंदर हम ये बात करेंगे कि रिंकल्स क्यों आना शुरू होते हैं. उसमें थोड़ा सा ये है कि स्किन की जो रीजनरेशन या रिन्यूअल कैपेसिटी होती है वो कम होती जाती है एज के साथ साथ. जैसे लेट ट्वेंटीज में या अर्ली थर्टीज में अगर हम स्किन की रिन्यूअल कैपेसिटी पे काम कर लें कि जल्दी जल्दी स्किन को रीजनरेट कराएं, तो उसमें जो है रिंकल्स एजिंग डिले हो जाती है. उसमें हमारे पास ओवर क्रीम्स हैं, जिसमें आप कोशिश करें कि ओवर द काउंटर को चूज ना करें जाके. अच्छा. कोई रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट अपने किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से या डॉक्टर से लिखवा लें जाके, या जिसके बारे में आपको स्टडी पता हो कि इसकी क्या स्टडी है, इसके क्या रिजल्ट हैं, या आपको उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में कुछ पता हो, तो वो आपने उठानी है, जिसमें रेटिनॉल्स हैं, विटामिन सी है, पेप्टाइड्स हैं, पॉलीफिनॉल्स हैं, इस तरह की चीजें जिसमें हो. रेटिनॉल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्सफोलिएशन ऑफ द स्किन, वही जो स्किन रिन्यूअल में हेल्प करते हैं. तो अभी रिसर्च भी हुई थी, दे सेड दे आर वेरी डेंजरस टू इन सम क्वांटिटी, इन सम क्वांटिटी एंड इन ईटिंग क्वांटिटी. उसमें भी डॉक्टर आपका आपको स्क्रीनिंग करता है. सम केसेस में दे आर रेटिनॉइड्स, वो एक अलग चीज है. दे आर नॉट रेटिनॉल्स. रेटिनॉल्स आर रेटिनॉइड्स एल्कोहल्स जो स्किन पे लगाने के काम आती हैं, यानी कि उनके जो है दूसरी फॉर्म में होते हैं. जो रेटिनॉइड्स खाने को देते हैं वो हम एक्नी में और डिफरेंट और तरह की डिजीजेस में, सोराइसिस वगैरह में देते हैं, तो वो एक खास डॉक्टर आपको ऑब्जर्वेशन में रख के आपको खिलाता है. वो भी एट टाइम जरूरी होता है उसको खाना. खैर, अब इस पे हम आ जाते हैं रिंकल्स पे. तो उसमें जो है पॉलीपेप्टाइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. फिर बोटॉक्स लाइक फैक्टर्स होते हैं, यानी कि बोटॉक्स लाइक सीरम्स भी आ गए हुए हैं, जो मतलब आपको इंजेक्ट, अगर आप इस एज में हैं कि इंजेक्ट नहीं कराना चाहते और फाइन लाइंस और रिंकल्स और अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं कि वो रिंकल्स वहां पे मजीद गहरे ना होते जाएं, तो उस तरह के सीरम्स भी आते हैं जो आपको बोटॉक्स लाइक इफेक्ट देते हैं, यानी कि आपके एक्सप्रेशंस को थोड़ा सा होल्ड करके रखते हैं. वो सिर्फ आपने अप्लाई करने होते हैं, इंजेक्ट नहीं है, इंजेक्ट नहीं होते. मतलब अर्ली स्टेजेस में तो यू कैन डू दिस कि आप अप्लाई करें. और ये अवेलेबल है, ये आपको क्लिनिक्स पे डॉक्टर के पास भी
अवेलेबल होंगे या कुछ ऐसी सर्टन फार्मेसीज होती हैं जहाँ पे अवेलेबल होते हैं, लेकिन ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड होते हैं, यानी कि आपको डॉक्टर रिकमेंड करता है तो वो आपको मिलते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास कुछ प्रोसीजर्स ऐसे होते हैं जो हम जल्दी स्टार्ट, जैसे बहुत ही फ्रेंडली स्किन पील्स हैं, जरूरी नहीं है कि पील के बारे में हम सोचते हैं तो ख्याल आता है कि स्किन उतर जाएगी और नई स्किन आएगी, इस तरह से नहीं है। बहुत स्किन फ्रेंडली पील्स हैं जिसमें आपको पता भी नहीं लगता और आपकी स्किन का एक्सफोलिएशन प्रोसेस जरा तेज होके और रिन्यूअल प्रोसेस तेज हो जाता है और यू हैव अ न्यू एंड फ्रेशर स्किन। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, माशाल्लाह आप भी बहुत अच्छी हैं। थैंक यू, अपना तारुफ तो करा दें। मैं मजीदा मिसेज खान बात कर रही हूँ सियालकोट से। सियालकोट से मजीदा, अच्छा जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग। इतने दिनों से मैं ट्राई कर रही हूँ, यकीन करें आज कॉल लगी है तो मैं बहुत खुश हूँ। क्या बात है, तालियां हो जाए इनकी कॉल की। जी आपका कोई सवाल है हमसे? जी मेरी बेटी है, उसकी एज 13 साल है और यकीन से 2 साल से उसका चेहरा ऐसे दानों से भरा पड़ा है और गर्दन के निचले हिस्से में और बैक साइड पे गर्दन के पिछले हिस्से में चेहरे के साथ साथ दाने हैं और मैं बिल्कुल हाथ नहीं लगाने देती, तो प्लीज यकीन करें मैं इतनी डिसहार्ट हूँ और हर वक्त टेंशन में रहती हूँ कि कैसे ठीक हो गए चेहरे का मसला है, प्लीज मुझे कोई हल बता दी। हम आपको हल बता देते हैं, बिल्कुल जी टेंशन ना लें, आप परेशान ना हो पहले, ठीक है, इतनी परेशानी नहीं लेनी है। मैं इतने शौक से देखती हूँ, पता नहीं कितनी देर से देख रही हूँ, जब भरा थी उस वक्त के बाद आपने स्टार्ट किया उसी वक्त से देख रही हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा, इतनी खुशी हो रही है क्या बताऊँ आपको, मुझे भी इतनी खुशी हो रही है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, थैंक यू सो मच। एक तरफ इतनी परेशानी है, एक तरफ इतनी खुशी है, मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा दानों का अगर हम इन्हें हल, 13 साल की है तो आई थिंक ये तो वो टीनेज वाली एज है तो उसमें ऑब्वियसली हॉर्मोन्स जो है वो डेवलप हो रहे होते हैं, तो उसमें एक्नी आना और सीबम, इनसे मैंने ये नहीं पूछा कि उनका वेट कैसा है, अगर तो बच्चे बहुत हेल्दी है बच्ची तो उसमें भी आपके चांसेस होते हैं हार्मोनल अपसेट के और एक्नी आती है। बहरहाल एक्नी की एज है तो इनको बिल्कुल सही कर रही है कि उसको मना कर रही है कि हाथ नहीं लगाना, तो इनको कुछ प्रोडक्ट्स मैं बता देती हूँ कि फेस वॉश इनके होने चाहिए, 2% सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश ये यूज करेंगे, क्लिंडामाइसिन जेल मिल जाती है, लोशंस भी मिल जाते हैं जिसमें क्लिंडामाइसिन कॉन्टेंट होता है, वो 2 दफा ये लगाएंगी, सनब्लॉक ये जरूर लगाएंगी जो कि सीबम कंट्रोल हो, सनब्लॉक SC के नाम से आते हैं, सीबम कंट्रोल सनब्लॉक उसको कहते हैं, वो ये फार्मेसी से ले लेंगी लगाएंगी, ये कुछ अरसा ये करके देखेंगी, अगर नहीं कंट्रोल होती तो ये अपने करीबी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगी ताकि वो देखे कि ये सही कैंडिडेट है एंटीबायोटिक ओरल या कोई भी, फिर वो ओरल ट्रीटमेंट देखेगा अगर इससे वो कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, और अगर इन्हें डाइट बताई जाए इस एज के लिए? डाइट में तो ये कि इन्होंने फ्राइड चीजें अवॉइड करनी है, उसे है तो ये हार्मोनल प्रॉब्लम बट फ्राइड चीजों से और मीठे से एग्रीवेट होता है, वो ज्यादा स्पाइसी चीजें नहीं खाएं और फिजी ड्रिंक्स नहीं पिए और ज्यादा जो है पानी का इंटेक रखें, फ्रूट्स का इंटेक रखें, पुदीने का पानी जिसको हम मिंट टी कहते हैं अगर वो पीती हैं वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा। और अभी ब्रेकफास्ट में सुबह ये अगर गाजर का जूस पी लेती हैं ब्रेकफास्ट में के साथ गाजर का जूस तो वो बहुत हेल्प करेगा इनको, अभी मौसम है तो इसलिए मुझे गाजर का भी एंड आल्सो लेमन का और रूट बेस्ड जो है ना चुकंदर जैसे रूट जो भी रूट जो वो भी, और एक और है जो ऑफकोर्स ये 13 एज है ना तो वो ऑफकोर्स ये ऐसे एज है कि वो थोड़ा सा एक्टिविटी करें क्योंकि वो ऑफकोर्स स्कूल जाते हैं वापस आके और सो जाते हैं, कोई आने उसकी कोई ऐसे एक्टिविटी लेवल है ही नहीं है, कोई एक्टिविटी लाइफ नहीं है, तो उसको जरूर तकरीबन हाँ उसको कोई एक्टिविटी करवाना बिल्कुल। और हकीम साहब आपने भी एक फॉर्मूला बताया था, जी हाँ, मैं इसके लिए और भी एक और बताता हूँ, 5 दाने उनाब के, उनाब 5 दाने ठीक है, और 7 दाने गुले मुंडी के, ठीक 7 दाने गुले मुंडी वो छोटे छोटे दाने होंगे, ठीक है, और 1 चुटकी उसमें संदल सफेद डाल देना, ठीक उसका ब्रादा मिलता है मार्केट से, इसके 20 दिन इसको ये एक टाइम की खुराक है, इसको 1 कप पानी गर्म पानी में डिप कर दें, 1 कप गर्म पानी में और 2 घंटे बाद उसको मसल के अच्छी तरह से फिल्टर करके तो उसको पिला दें, एक काम ये करें और साथ उसका पानी का इंटेक जैसे विभा ने बताया पानी का इंटेक उसका रखें, सब्जियां फ्रूट्स को ज्यादा दें, पालक साग ना दें, मेथी ना दें, बाकी सब्जियां जितनी भी हैं टिंडे कद्दू तोरी वो ग्रीन सब्जियां नहीं देनी, पालक साग नहीं जो जिनमें ज्यादा तेजी पैदा करती हैं सब्जियां उन्हें देनी है, हल्की सब्जियां देनी है, ठंडी सब्जियां देनी है, फिर मुंह में छींटे मारे दिन में 10-12 दफा जब भी वो, और उसको फिर साफ ना करे, खुशक ना करे, उसको खुद खुशक होना दे, फिर वो एक छोटा सा और फार्मूला वो कड़वा सफूफ एक बनता है चरियाता है शात्र है
برگے کنیر ہے, کنیاری بوٹی ہے اور جنگلی کریلے ہیں, ان سب کو برابر وزن میں باریک پیس کے رکھ لیں. رات کو ایک گلاس پانی میں آدھی چمچ ڈال کے ڈپ کر کے رکھ دیں, صبح کو اس کو فلٹر کر کے نہار میں اس کو پلا دیں. کھانا کھانے سے پہلے دو گلاس پانی اس کو پلائیں. یہ 15-20 دن کرے گی تو اس کا انشاءاللہ ہر چیز کلیئر ہو جائے گی. زبردست. ٹھیک, اب آپ دیکھیں, آپ اتنی پریشان تھی, ہم نے آپ کو ایک ڈرمیٹولوجسٹ کا اوپینین بھی دے دیا, حکیم صاحب نے آپ کو خوراک بھی بتا دی, ہماری ہربلسٹ نے آپ کو بتا دیا آپ نے جنرلی کون سی چیزیں اوائڈ کرنی ہے, کیا کھانا ہے, ہماری یوگی نے آپ کو ایکٹیویٹی بتا دی, تو کتنا اچھا کمپلیٹ پیکج آپ کو مل گیا. اب آپ نے خوش ہو جانا ہے نا. اچھا, آپ کچھ کنٹینیو کر رہی تھی رنکلز کا؟ جی, اس کے علاوہ سندس, پھر ہم مائکروڈرم ابریشنز پہ آ جاتے ہیں, جس میں آج کل بہت پاپولر ہیں ہائیڈریٹنگ مائکروڈرم, جس کو ہائیڈرو فیشل کہتے ہیں. وہ بھی آپ کی اسکن کی جو ڈیڈ لیئر ہے اس کو امپروو کرتا ہے, اس کو ویئر آف کر کے ہائیڈریٹنگ سیرمز ڈلتے ہیں, جس میں ہیلیرونک ایسڈ جو بڑا امپورٹنٹ ہے, جو پروڈکٹس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ضرور ہونا چاہیے, ہیلیرونک ایسڈ اور گلیسرولز کے سیرمز وہ اسکن کے اندر پینیٹریٹ کرواتے ہیں. تو دیٹ از آلسو ویری گڈ فار ارلی ایج, جیسے لیٹ 20s ہے, آپ کے 20s ہیں, دیٹ از ویری نائس. ایک یہاں پہ کوئی ہمارے پاس کنسنسس ہے کہ کس ایج سے واقعی ایجنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے؟ ایجنگ, آپ جب پیدا ہوتے ہیں یو آر ایجنگ, یہ ٹھیک ہے. نہیں, لیکن اس میں جو افیکٹس آف ایجنگ آپ کے آنے شروع ہوتے ہیں, اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کا ایکسپوجر کیسا ہے, آپ کی لائف میں اسٹریس کیسا ہے, آپ کا لائف اسٹائل کیسا ہے, یہ سب چیزیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. اس پہ تھوڑی سی بات میں بتا دوں, آپ نے دیکھا ہے جو ہمارے ہلی ایریاز میں لوگ رہتے ہیں, ان کا سن ایکسپوجر اور ان کی اسکن ٹائپ جو ہے وہ 1-2 ہوتی ہے, یعنی کہ گوروں والی اسکن ٹائپ ہوتی ہے کلرڈ آئیز کے ساتھ, اور اس کے ساتھ ان کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہوتا ہے, وہ سن پروٹیکشن نہیں اگر کرتے, تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ ہماری جو خواتین کھیتوں میں جو کام کرتی ہیں وہ ینگ ایج میں بھی ان کے بہت ہی ڈیپ رنکلز ہوتے ہیں. تو ان کی ایج تو نہیں ہوتی, لیکن اٹس آل اباؤٹ پروٹیکشن اور اپنی اسکن ٹائپ کو سمجھنا اور اس کے حساب سے اپنا لائف اسٹائل اڈاپٹ کرنا. تو وہ ایجنگ آپ کی کبھی بھی شو ہو سکتی ہے اگر آپ نے اس کے حساب سے کام نہیں کیا ہوا. تو ویسے اگر جنرلی ہم بات کرتے ہیں تو ایجنگ شو کرنا شروع کر دیتی ہے ہمارے لیٹ 20s میں اور ارلی 30s میں. ہلکی پھلکی لائنس, ہماری ایکسپریشن لائنس, انڈر آئی لائنس, انڈر آئی ایریا جو ہے سب سے پہلے ایجنگ کے لیے رپورٹ ہوتا ہے کہ لائنز آنی شروع ہوتی ہیں, آپ کی پفینس آنی شروع ہوتی ہیں آنکھوں کے نیچے. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پرسن ٹو پرسن بھی ویری کرتی ہیں, ایریا وائز بھی, ایتھنکلی بھی ویری کرتی ہیں ساری چیزیں. تو اس کے حساب سے اٹس ناٹ اے سرٹن کرائٹیریا کہ ہم, لیکن جنرلی دیکھا جائے تو ارلی 30s میں ہمیں اسٹارٹ کر دینا چاہیے اپنے اینٹی ایجنگ پروسیسز. بالکل بالکل کر دینا چاہیے. ابھی ہمارا ٹائم ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, واپس آتے ہیں اور اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ٹو مہکتی مارننگ. ہمارا آج کا ٹاپک اینٹی ایجنگ ہے, اور مجھے بریک میں خیال آیا کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں اسپیشلی جس طرح شوگر کے مریض ہیں, ان کا جو ریجنریشن پروسیس ہوتا ہے بڑا سلو ہوتا ہے, اور جب انہیں کٹ بھی لگ جائے تو وہ ہیل بہت سلو ہوتا ہے. اور ہم لوگ یہاں پہ جب اینٹی ایجنگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کی اسکن کی جو ریجنریشن ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو ایسے مریضوں کے لیے کچھ اسپیشل؟ جی ہاں, شوگر کے مریض تو بےچارے بہت ہی پریشان رہتے ہیں ان معاملات میں. یہ جو کٹ لگ جانا یا کوئی بیڈ سور ہو جانا یا پھوڑا کوئی ایسا نکل آیا کوئی, اس کے لیے دانے بھی نہیں. جی ہاں, اس کے لیے ایلو ویرا سے بہتر پوری دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. ایک روئی کی گدی, جس حصے میں وہ کٹ لگا اس سائز کا روئی کی گدی بنا لیں, اس پہ ایلو ویرا کا گدا موٹے موٹا اسے رکھ کے اس کی پٹی کر لیں. رات کو ایک پٹی کریں, صبح کو کھول دیں, 3 دن صرف کریں گے وہ کٹ لگا ہو یا کوئی پھوڑا پھنسی ایسی ہوئی جس میں زخم ٹھیک نہیں ہو رہا, اس کا وہ ٹھیک ہو جائے گا. پھر شوگر کا مریض جو ویسا بچائے ویک فیل کرتا ہے ہر لحاظ سے, اس کے لیے ناشتہ جو ہے نا دیسی گندم کا دلیا, اس میں 5 دانے اس کے بادام کے, 20 دانے چلگوزے کے, 2 دانے اخروٹ کے اور 3 پستہ, وہ اس نے دلیا کا ناشتہ کرنا ہے. اور روٹی جو اس نے دن میں کھانی ہے نا دوپہر میں اور رات میں, وہ اس نے کرنی 10 کلو گندم, 2 کلو جو, 1 کلو کالے چنے اور 1 پاؤ میتھرے, ان سب کو پسوا کے روٹی اس نے کھانی ہی اسی آٹے کی ہے جب بھی روٹی کھائے. پھر دن میں 1 دفعہ وہ یا 2 دفعہ میتھی اور دال چینی کا کاوا ضرور پیے, ذرا ذرا ڈالنا ہے, 1 چٹکی میتھی کی اور چھوٹا ٹکڑا دال چینی کا. اور ایک کام جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے شوگر کے مریضوں کے لیے, آج بہت بڑی میں بات کرنے لگا ہوں, زبردست چیز ہے وہ, 3 کریلے درمیانے سائز کے تازے کریلے, ان کو 1 گلاس پانی میں شیکر میں شیک کر لیں. شیک کر کے تو کوئی ایسا برتن جس پہ آپ کے پاؤں دونوں اس میں آ جائیں اور اس کی ایک تہہ پانی کی ساری آ جائے, یا 1.5 گلاس پانی میں کر لیں, پیروں کو آپ صاف کر کے اچھی طرح سے دھو کے اس کے اندر پیر رکھ دیں 30 منٹس کے لیے.
अच्छा 30 मिनट आप पाँव रख के यूँ उसके बैठे रहेंगे उस पानी में, करेले वाले पानी में, बीच में छिलके समेत सारा करना, को 30 मिनट से पहले ही आपकी जबान पे कड़वाहट फील करेंगे आप। अच्छा, आपकी जबान पे जब कड़वाहट आ जाएगी तो आप उसमें पैर हटा के पैर धोके सॉक्स वगैरह पहन लें या जो भी ना चप्पल पहन लें। तो ये शुगर का पेशेंट 15 या 20 दिन करे तो उसके बाद फिर आपको और एटीवी को बड़ी दुआएं देगा। जबरदस्त भाई, जबरदस्त, बहुत अच्छा फॉर्मूला उन्होंने बताया। और ये उनकी नॉर्मल जो इंसुलिन की जो भी इंटेक है उसके साथ ही कंटिन्यू कर सकते हैं, उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर इंसुलिन भी ले रहा है या कोई मेडिसिन 2 टाइम खा रहा है या 1 टाइम, तो अगर इस दौरान वो शुगर को चेक भी करे ना, लोअर साइड भी जा रही हो, तो फिर इंसुलिन और वो चीजें छोड़ दे फिर वो। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो उसको आप साथ चेक में रखे। बहुत आमतौर पर 15 मिनट में उसकी कड़वाहट आ जाती है जबान पे, लेकिन बाज लोगों को 30 मिनट तक लग जाते हैं। ठीक, तो 15 से 20 दिन करना, बस ज्यादा दिन करना भी नहीं। आपने हमें दुआएं जरूर देनी है, कॉल करके बताना भी है फिर। ठीक है, अच्छा डॉक्टर हबीबा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ऐसे कोई एंटी एजिंग फूड या फ्रूट्स है जो आप इस्तेमाल करते हैं? से हैं बिल्कुल, और उसमें जब हम एंटी एजिंग की बात करते हैं तो विटामिन ए सी ई ये जो है एंटीऑक्सीडेंट्स हैं हमें है? तो फ्रूट्स में अक्सर अगर हम देखें जैसे ऑरेंजेस का हमने जिक्र किया था, विटामिन सी में बहुत ज़्यादा रिच है। गावा अमरूद जो है वो पर उसमें ऑरेंज से भी 4 से 5 गुना ज़्यादा विटामिन सी है। अच्छा, और हम अक्सर इसको इग्नोर कर देते हैं। तो अमरूद ऑरेंज नहीं है ना इसलिए, तो अमरूद जो इसको एंटी रिंकल फ्रूट कहते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। फिर जो पर्पल कलर के फ्रूट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में इम्पोर्टेंट है, वेजिटेबल्स भी और फ्रूट्स भी जो पर्पल कलर के होते हैं, बैंगन जामुन, जामन है, बेरीज हैं, ब्लू बेरीज, और इसी तरह से फिर ब्लू ग्रेप्स या पर्पल ग्रेप्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे हैं। फिर कीवी बहुत अच्छा है, उसमें विटामिन ए भी है, विटामिन ई भी है। पपाया बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा एंटी ऑक्सीडेंट है, उसमें बहुत ज़्यादा। इसी तरह से फिर अगर हम सब्जियों में बात करते हैं तो पालक जो है विटामिन सी में बहुत ज़्यादा रिच है, और अगर पालक का जूस पिया जाए स्किन बहुत ज़्यादा आप कह लें कि ग्लो करती है, हाइड्रेटेड हो जाती है, वो बहुत अच्छा है। टर्निप्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं स्किन के लिए, और जो बेल पेपर्स होती हैं, शिमला मिर्च जो हम कहते हैं, देखिए डिफरेंट कलर्स में आती हैं। टमाटर जो है लाइकोपीन उसमें बहुत ज़्यादा होता है, वो भी बहुत अच्छा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो अगर हम एक ऐसा सैलड बना लेते हैं जिसमें कि अगर हम जैसे हम उसमें अमरूद ऐड कर लेते हैं, एप्पल ऐड कर लेते हैं, चेरीज हैं, स्ट्रॉबेरीज हैं वो ऐड कर लेते हैं, थोड़े से ग्रेप्स ऐड कर लेते हैं, हैंडफुल ऑफ नट्स उसमें ऐड कर लेते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा सा कह लें कि एंटी ऑक्सीडेंट सैलड जो है ये बन जाता है। और अगर हम डेली बेसिस पे लेते हैं तो ये बहुत अच्छा है, और फिर हमें वो सप्लीमेंट्स लेने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक, जबरदस्त, हमने आपको इतनी अच्छी सब्जियां भी बता दी, फ्रूट्स भी बता दिए, फॉर्मूलाज भी बता दिए, स्पेशल पेशेंट्स के भी बता दिया, प्रोसीजर्स का भी बताया। टाइम हमारे पास बहुत कम है, देयर इज अ लॉट दैट वी कैन ऐड टू इट, कुछ लेजर प्रोसीजर्स भी हैं जिसकी हम Definitely, बात करेंगे, बट हमारे पास 1 मिनट रह गया है, तो हमारा शो देखना ना बंद करें। हमारे पास आएंगे ये एक्सपर्ट्स, ये हमारे मेहमान हैं, इनको हम बार बार बुलाएंगे, एंड वी विल इंशाल्लाह कंटिन्यू इट इन द नेक्स्ट शो। यूं ही देखते रहिए, यूं ही हमें प्यार देते रहिए, दुआएं देते रहिए, और महके हर पल जिंदगी जैसे महकती हमारी महकती मॉर्निंग।